गुरु जी की प्यारी संगत को अनुराधा की ओर से जय माता दी। जय गुरु जी। और कल यही कुर्सी थी जहाँ पे गुरु जी महाराज इतने प्यारे दर्शन दे रहे थे संगत जी बैठे हुए। तो आज भी अगर देखा जाए तो शेडो सी बनी हुई है पूरी, ये गुरु जी की कुर्सी पर, गुरु जी की गद्दी पर। यहाँ से अगर देखो तो ये पूरी शेडो बनी हुई है गुरु जी महाराज जी की। लेकिन संगत जी रात को बड़ी ही क्लियर शेडो बनी हुई थी और इतने प्यारे दर्शन करके मैं दन दन हो गई थी। और आप सोच रहे होंगे ये क्या खा रही है, तो संगत जी मैं शोधी हरे खा रही हूँ। जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो जो मेडिसिन आपने मैंने आपको सबसे आपके साथ शेयर की थी शोधी हरे गुरु जी की ब्लेस्ड मेडिसिन, तो वो खा रही हूँ। और इतना रिलीफ मिलता है इससे, ना ही गैस बनती है, ना ही हेडेक होती है, ना ही और कोई प्रॉब्लम होती है। बल्कि जो भी हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स होती हैं संगत जी, धीरे 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 वो दूर होती जाती हैं। तो संगत जी जब मेरे भी घर पे कोई ब्लेसिंग होती है तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करती हूँ। एक बार पहले मैंने बोला था कि हल्की सी अमृत वर्षा हुई थी, उसके बाद ये गुरु जी के सब रूम में से आंखें ब्लिंक हुई थी, फिर ज्योत के दर्शन हुए ओम के, और फिर गुरु जी के ये दर्शन। तो कोई और भी दर्शन होंगे तो मैं आपके साथ जरूर साझा करूंगी। गुरु जी महाराज जी की अपार कृपा आप सब पर बरसती रहनी चाहिए। प्यारी संगत जी जो भी मेरे चैनल पे अभी नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे बारे में ज़्यादा जानने के लिए पुरानी वीडियोस देखिए। एक्चुअली मेरे बारे में जानने का मतलब है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करती हूँ और फैमिली क्या है। बहुत सारे लोगों को होता है कि जिससे हम रूबरू हो रहे हैं फर्स्ट टाइम जो ये ब्लॉग्स बना रही है, तो खुद उसके बारे में भी जानना चाहते हैं सब, क्योंकि एक फैमिली बन जाती है। एक्चुअली सब एक फैमिली बन जाती है। और मैं आपके साथ बातें कर रही हूँ और सामने गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ है। संगत जी मैं दिखाती हूँ, बड़ा ही मुस्कुरा आ रहा है, ये देखिए बहुत ही मुस्कुराते हुए गुरु जी। और संगत जी सच्ची बिलीव कीजिए, मैं जैसे जैसे इनकी ओर देखती हूँ ना, इनकी मुस्कुराहट ज्यादा बढ़ती जाती है। ये ऐसे करके ना इतने मुस्कुराते हैं, इनकी ये जो चिकबोन है ना इतनी ऐसे फैलती जाती है, ऐसे 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 ऐसे। तो गुरु जी महाराज थैंक यू सो मच, अपनी ब्लेसिंग्स हम सभी पे बनाए रखना, मुझ पे बनाए रखना, मेरे परिवार पे बनाए रखना, मेरे यूट्यूब परिवार पे बनाए रखना, जो जो भी आपका नाम ले उन सभी पे बनाए रखना। हे मेरे कृपा निदान, हमसे जाने अनजाने कोई गलती होती है तो हमें माफ़ करना। और संगत जी मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, आज का सत्संग जो है हमारे पास ही है लखदाता बाजार में, तो बस मैं वहीं जाने के लिए तैयार हुई हूँ। और जो भी वहाँ के अपडेट्स होंगे संगत जी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी मासी भी जा रही हैं सत्संग में क्योंकि घर के पास है, तो जहाँ मौका मिले गुरु जी का सत्संग, जहाँ मौका मिले जय गुरु जी वहाँ गुरु नाम की हाजिरी लगा लेनी चाहिए। तू भी आ जाए इधर, उधर से कर रही है जय गुरु जी की। गुरु जी की एक और बच्ची, जय गुरु जी। आप कहाँ सत्संग जा रहे हो, बाजार? तो गुरु जी का कोई ना कोई चाहने वाला मिल ही जाता है। तो डियर फैमिली हम लोग पहुंच गए हैं उस घर में जहां आज गुरु जी महाराज का सत्संग है। और बड़ा ही नसीबों वाला घर होता है वो, बड़ा ही भाग्यशाली घर होता है जहां गुरु जी महाराज आते हैं अपने बच्चों को ब्लेस करने के लिए। और बहुत ही भाग्यशाली और किस्मत वाले होते हैं वो लोग जो गुरु जी महाराज की सेवा करते हैं। तो आज सब मिलकर कर रहे हैं गुरु महाराज के दरबार को सजाने की सेवा। लो जी प्यारी संगत जी, सच के गुरु जी का दरबार हो गया है तैयार। गुरु जी महाराज मुस्कुराते हुए लग रहे हैं बहुत ही प्यारे, और गुरु जी का दरबार महक रहा है फूलों की खुशबू से। और ऐसा प्रतीत हो रहा है साक्षात गुरु जी हो गए हैं आके विराजमान, और बड़े ही प्यारे प्यारे दर्शनों के साथ दे रहे हैं अपने बच्चों को दर्शन। और बहुत ही खुशी मिलती है जब गुरु जी महाराज का दरबार इतना प्यारा इतना सुंदर लगता है, बस मन करता है देखते ही रहे निहारते ही रहे और प्यारे गुरु जी महाराज को किसी की नजर ना लगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सतगुरु आवनगे फेरा पावनगे कर मेरे, नी मैं सत के जामा सतगुरु मेरे। सारे बोलो सतगुरु आवनगे फेरा पावनगे कर मेरे, नी मैं सत के जामा सतगुरु मेरे।
नी में फुला बाला आसन लामा, सोने सतगुरु जी नो बिठामा। आपे आ जानेंगे गुरु जी बह जानेंगे आसन ते अपने, नी में सद के जामा सतगुरु मेरे। संग जी मैं भूल जाती हूँ बीच में भजनों की लाइन, तो माफ़ी दीजिएगा प्यारे गुरुजी महाराज, बस मुझे भजन भी सिखा दीजिए। बड़ा मन करता है मेरा कि आपके मधुर मधुर भजनों को गुनगुनाऊं। और संगत जी आप तो मेरी आवाज़ सुन के भी डर जाते होंगे, पर क्या करूं, मुझे पता है आप मुझे झेलते हो, यही कहूंगी। तो प्यारे गुरुजी महाराज के आज बहुत ही मधुर भजन चल रहे हैं। संगत जी इतनी बढ़िया वाली आज प्लेलिस्ट लगी है। यूँ तो सारे ही भजन बहुत ही प्यारे होते हैं, शब्द बहुत प्यारे होते हैं, उनमें मतलब होता है, उनमें जवाब होते हैं हमारे सवालों के। लेकिन जो आज प्लेलिस्ट लगी है ना, वो कुछ अलग ही है, अनोखी है। दिल में सिर्फ और सिर्फ एक खुशी दे रही है और अंदर से हम नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गुरु जी महाराज के रंग में रंग रहे हैं। दाता ऐसा कर्म कमावी सारा जग देखे, मेरे दाता ऐसा कर्म कमावी सारा जग देखे। हो मेरे सुत्ते पाग जगामी सारा जग देखे, दाता ऐसा कर्म कमावी सारा जग देखे। ओ मेरे दाता, तो संग जी जब आप अपने दाता के दरबार में आते हो ना, तो आप किसी को भी मत देखे कि उसने क्या पहना है, क्या खा रहा है, क्या कर रहा है, कुछ भी नोटिस ना करे, इधर उधर ताका झांकी तो करे ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ गुरु जी के रंग में रंग जाएं, ध्यान मगन हो जाएं और मन ही मन उनसे बातें करें। अगर आपको मौका दिया है गुरु जी महाराज ने, इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी है आज कि आप उनके चरणों में बैठे हैं, क्योंकि इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई भी नहीं हो सकती। गुरु जी के चरणों में बैठना, उनकी इच्छा के बिना आप नहीं बैठ सकते। आज गुरु जी ने आपको आमंत्रित किया है, आपको कष्टों से मुक्ति देने के लिए, रोगों बीमारियों से निजात करने के लिए, तो ये मौका गंवाए नहीं। जो भी वक्त मिला है प्यारे गुरु जी महाराज के साथ संवारिए, बिताइए वो वक्त, ये लम्हे, ये सब गुरु जी महाराज के साथ अपना टाइम स्पेंड कीजिए। ध्यान मगन हो जाइए उनके चरणों में, नतमस्तक हो जाइए उनके चरणों में। बार बार ये मौके नहीं मिलते, चुना है आज आपको गुरु जी ने, अपने पास बुलाया है आपको। और ये मौका कितने लोग ऐसे हैं जो इंतज़ार करते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक गुरुजी महाराज का कोई भी सत्संग अटेंड नहीं किया, और कितने लोग हैं जो मन ही मन ख्वाब बुनते हैं कि काश हम भी सत्संग में जा पाते, और प्यारी गुरुजी के ये जो रुमाल संगत जी रखा हुआ है, इस पे बहुत ही प्यारे दर्शन हो रहे हैं, उंगलियों के दर्शन हो रहे हैं। संगत जी अगर आप ध्यान से देखें तो उंगलियों के दर्शन हो रहे हैं, जैसे गुरुजी महाराज ने उंगलियां छाप दी हैं आज इस रुमाल पे, दिखाया है आज भी कि मैं अंग संग हूँ, और मुझे माता रानी के भी दर्शन हो रहे हैं। संगत जी सबकी अपनी अपनी निगाहें होती है देखने की, दर्शन करने की, बड़े ही नसीबों वाले हैं हम, जो हमें दाता जी ने इतने अच्छे दर्शन बख्शे हैं, बड़े ही नसीबों वाले हैं जो हम गुरु जी की संगतों में बैठे हैं, बड़े ही नसीबों वाले हैं हम जो जहाँ गुरु जी महाराज जी विराजमान होते हैं, जहाँ उनके सत्संग होते हैं, वहाँ सेवा करते हैं हम, तो और क्या चाहिए संगत जी, कुछ भी नहीं। मुक्ति का रास्ता है ये, अगर आप इस जीवन से मुक्ति पाना चाहते हो, अच्छाई की तरफ बढ़ना चाहते हो, अच्छे मनुष्य जोनी पाना चाहते हो, खुद को बदलना चाहते हो, जो हमारे अंदर ऐब है, झूठ, फरेब, ईर्ष्या, ये सब ऐब है हमारे अंदर, तो इन ऐबों से मुक्ति पाना चाहते हो तो गुरुजी के लड़ पकड़ लो, मैं तो कहूँगी। और प्यारे गुरुजी महाराज ने लंगर प्रसाद को भी संगत जी ब्लेस कर दिया है, गुलाब जामुन पे इतना बड़ा ओम बना हुआ है, और हलवे प्रसाद पे भी। जय गुरुजी। संगत जी ये वीडियो का आधा पार्ट है, और प्यारे अंकल जी ने बड़ा ही प्यारा सत्संग अपना शेयर किया है, तो वो सब आप कल की वीडियो में देखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।